चेन लाओ। लीजिए आ गए। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है सर, आइए। देखिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा, आप लोग वहीं ठहरिए। आइए सर। क्यों रुक रहे हैं आप उन्हें? सर ये बहुत भीड़ आ जाएगी। कोई बात नहीं, आप उन्हें आने दीजिए, आप उन्हें देखने दीजिए। ठीक है सर। ठीक है भाई, आप लोग भी आइए। चलिए सर जी। आप प्रोफेसर मिसेस सिन्हा? यस। आप ही इस आर्कियोलॉजी का सर्वे की हेड थी ना? जी। गुड जॉब, यू हैव डन ए गुड जॉब। थैंक यू वेरी मच। बड़े अच्छे मौके पर आपने कंप्लीट किया है ये सर्वे, वो भी एक महत्वपूर्ण खोज के साथ। 15 अगस्त को होने वाली सार्क कंट्रीज की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में हम उस मूर्ति को रखवाएंगे। इस प्रदर्शनी में दूसरे देशों के 200 से 300 साल पुराने एंटिक्स आ रहे हैं। आपकी खोजी हुई मूर्ति जो 600 साल पुरानी है वो सबसे आकर्षक और बेशकीमती होगी। चलिए हम उस मूर्ति को देखने के लिए बहुत बेचैन हैं। चलिए सर, पहले आप। एक्सक्यूज मी, मेरी दरख्वास्त आप सब मीडिया चैनल्स और प्रेस रिपोर्टर्स से है कि वो अपनी जगह पर खड़े रहें, आज कोई फोटोग्राफी ना करें, क्योंकि ये फैसला किया गया है कि खुदाई में मिलने वाली तमाम चीजें और मूर्ति खासतौर से जनता के सामने 15 अगस्त यानी परसों रखी जाएगी। सो थैंक यू फॉर नॉट टेकिंग एनी पिक्चर्स। आइए सर। बॉक्सेस खोलिए। सर ये 14वीं शताब्दी के कुछ बर्तन और टेराकोटा वर्क है। 15 अगस्त को हमारे विदेशी मेहमानों और विदेशी पुरातत्व शास्त्रियों के लिए ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग साबित होंगी। वेरी गुड, लेकिन वो मूर्ति कहाँ है? सर उस वाले बक्से में। आखिर मूर्ति कहां गई? कल तो सबके सामने सर इसी में रखी गई थी। जगन दीक्षित जी, आप इस म्यूजियम के इंचार्ज हैं ना? जी हाँ। और इस म्यूजियम की चाबियां भी आप ही के पास होती हैं? जी बिल्कुल। हम्म,
कल रात यहाँ एक चोरी हुई है। कल रात भी चाबियां आप ही के पास थी ना? जी हाँ। उस बॉक्स की चाबियां जिसमें खुदाई से मिला हुआ सामान और वो मूर्ति पड़ी थी, उसकी चाबियां भी आप ही के पास थी? बिल्कुल। कल रात आप कहाँ थे मिस्टर दीक्षित? बस यहां से सीधा घर ही गया था। और उसके बाद? उसके बाद बस आज सुबह आया हूं म्यूजियम, और मैंने इससे साहब के आने पर कमरा खोलकर बस बॉक्सेस खोले तो देखा कि मूर्ति गायब है। ताला टूटा नहीं था? जी नहीं। चाबियां सिर्फ आपके पास थी? जी। दरवाजे की सील भी कायम थी? बिल्कुल। तुम्हें पूछताछ के लिए बुलाया है? हाँ, कल नाइट ड्यूटी पर हम ही थे ना। झपकी लगा था। कब? रात को। नहीं भाई, माई का सब तनको नहीं सोए थे, तो फिर चोरी कैसे हो गई? अब हम का जाने। ये लो साहब आ गए। तुम दोनों में से रात को यहाँ ड्यूटी पे कौन था? जी हम थे साहब। तुम्हारा नाम? ब्रजेश कुमार तिवारी। यहाँ काम कब से कर रहे हो? 3 साल से साहब। रात को किसी को आते जाते देखा तुमने? नहीं साहब। सच कह रहे हो तुम? जी साहब। ये बताओ कि इस म्यूजियम में मेन गेट के अलावा अंदर आने जाने का और कोई रास्ता है? यही एक रास्ता है साहब, अंदर जाने का और बाहर आने का। लगता है ड्यूटी पे सोते हो। नहीं साहब। कल रात जाग रहे थे? जी साहब। मिस्टर दीक्षित, मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ वो बॉक्सेस पड़े हुए हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ। मिस्टर दीक्षित, अंदर आने का बस यही एक रास्ता है? जी हाँ। यही वो बक्से हैं? जी। श्रीवास्तव, मेरी बात ये समझ में नहीं आई कि अंदर कोई आया कैसे, और अगर अंदर आया तो बाहर कैसे गया? Are you sure, Mr. Dikshit, जब आप सुबह आए तो दरवाजे पे ताला लगा हुआ था, ताले पे सील लगी हुई थी? Absolutely. मैंने ताला सबके सामने खोला है। दरवाजे पे वो जो ताला है उस पे सील कौन लगाता है? जी मैं लगाता हूं। तब तो केस बहुत साफ है मिस्टर दीक्षित। आप ड्यूटी के बाद रात को म्यूजियम में आ सकते हैं, ताले की सील तोड़ सकते हैं, ताला बड़ी आसानी से खोल सकते हैं, बॉक्स का ताला खोल सकते हैं, मूर्ति को बड़ी आसानी से अपने पास ले सकते हैं, बॉक्स का ताला बंद कर सकते हैं, दरवाजे का ताला बंद कर सकते हैं, उस पर सील लगा सकते हैं। As simple as that. देखिए इंस्पेक्टर, आप ये बेकार की अटकलें लगाकर मुझे जो मुजरिम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। भला सिक्योरिटी गार्ड के होते हुए मैं दोबारा म्यूजियम में कैसे आ सकता हूं? और आपने उसका बयान भी लिया है, और उसने साफ कहा है कि म्यूजियम का मेन गेट बंद होने के बाद ना कोई आया और ना कोई गया। इस बात की कोई गारंटी नहीं है मिस्टर दीक्षित कि वो सिक्योरिटी गार्ड सच बोल रहा है। और मिस्टर दीक्षित, ये भी हो सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड आपसे मिला हुआ हो या फिर आपने उसे डरा धमका रखा हो। आई थिंक दिस इज रिडिकुलस एब्सोल्युटली। नाउ ये बात आप उस सिक्योरिटी गार्ड से ही पूछें, और अब मैं आपके किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, और आपने मुझे और परेशान किया तो मैं सीधे मिनिस्टर से बात करूंगा। नाराज होने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर दीक्षित, और ये मिनिस्टर की धमकी मुझे मत देना। मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं शौक से कीजिए, लेकिन अगर आप मुजरिम हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता, आपका वो मिनिस्टर भी नहीं। मैडम, आपको क्या लगता है आखिर ये मूर्ति की चोरी हुई कैसे? मैडम मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मूर्ति चोरी हुई है। सारे हालात देखकर ऐसा लगता है कि एकदम जादू की तरह मूर्ति गायब हो गई। आई नो। लक्ष्मी जरा देखो तो कौन आया है। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच।
वो जो म्यूजियम में मूर्तियां चोरी हुई उसी कनेक्शन में आया हूँ मैं। आप मिसेस सिन्हा? यस इंस्पेक्टर। और आपकी तारीफ? मैं योगिता सहानी, आर्कियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मैडम के अंदर पीएचडी कर रही हूँ। मेरे साथ ही रहती है। वैसे से ना, ये आपके हाथ में कुछ चोट वगैरह लग गई है क्या? पैरालिसिस, 3 साल पहले लकवा मार गया था। Oh, I'm so sorry to hear that. It's all right. दरअसल मुझे उस मूर्ति के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना है। यस इंस्पेक्टर, बहुत दुख की बात है, हमने इतनी मेहनत करके उसे बरामद की और रातों रात चोरी भी हो गई। अच्छा मिसेस सिन्हा, ये बताइए कि उन मूर्तियों की कीमत क्या होगी लगभग अप्रोक्सीमेटली? पर इंस्पेक्टर, वो कहना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि एग्जैक्ट कीमत निकालने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है और वक्त तो हमें मिला ही नहीं। पर मैं यकीनन इतना कह सकती हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत कम से कम 25-30 करोड़ तो होगी। ये तो बहुत बड़ी रकम होती है मिसेस सिन्हा। अच्छा ये बताइए कि आप दोनों के अलावा इस मूर्ति की कीमत किसी और को पता थी? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर्स और म्यूजियम इंचार्ज मिस्टर दीक्षित। मिसेस सिन्हा, आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से किसी का ये काम हो सकता है? मुझे म्यूजियम इंचार्ज मिस्टर दीक्षित पर शक है। क्यों? क्योंकि म्यूजियम और बॉक्स की चाबियां उन्हीं के पास थी। चाबियां तो डुप्लीकेट भी बनाई जा सकती हैं मिसेस सिन्हा। बिल्कुल, इसीलिए मुझे सिक्योरिटी वालों पर भी शक है। शक? दरअसल जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता मिसेस सिन्हा, शक तो किसी पर भी किया जा सकता है, आप पर भी किया जा सकता है। इनफैक्ट मुझे शक उन तमाम लोगों पे है जो उस रात म्यूजियम में मौजूद थे। अभी तक कोई ऐसा सुराग या सबूत नहीं मिला श्रीवास्तव जो हमें मूर्ति तक पहुंचा सके। आज 13 अगस्त, 15 अगस्त में सिर्फ 2 दिन बाकी है। मैंने कमिश्नर साहब से वादा किया था कि 15 अगस्त से पहले मैं मूर्ति ढूंढ निकालूंगा। सर अगर आप कहें तो मिस्टर दीक्षित, प्रोफेसर सिन्हा और पुरातत्व विभाग के जो सर्वेयर्स हैं उनके घरों में तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी किए जाए। नहीं 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 श्रीवास्तव, इससे कोई फायदा नहीं है श्रीवास्तव। हमारे पास उन लोगों के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है श्रीवास्तव। तो फिर हमारा अगला मूव क्या हो सकता है सर? मैं म्यूजियम के उस कमरे की एक बार फिर से तलाशी लेना चाहता हूँ श्रीवास्तव, जिसमें वो बॉक्सेस रखे हुए हैं।
का बुरादा? का बुरादा डुप्लीकेट चाबी बनाते वक्त जब खींचते हैं तब निकलता है श्रीवास्तव। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी आदमी ने म्यूजियम रूम के अंदर बैठकर उन बॉक्सेस के ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवाई और मूर्ति चुरा ली। यस श्रीवास्तव, आई एम 100% श्योर। लेकिन सर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि चोर अंदर गया कैसे और फिर बाहर कैसे निकला। दैट इज द क्वेश्चन श्रीवास्तव, यही तो हमें पता लगाना है श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, उस खुदाई में दो बड़े बड़े मटके भी मिले थे ना? जी हाँ, बड़े बड़े मटके। और जाहिर है कि बाकी सामान के साथ वो मटके भी म्यूजियम में पहुंचा दिए गए हों। यू आर राइट। हो सकता है कि एक मटके में कोई शख्स बैठकर म्यूजियम के अंदर दाखिल हो गया हो, दरवाजे बंद होने के बाद वो रात को बाहर निकला हो, उसने डुप्लीकेट चाबी बनाई हो बड़ी आसानी से, और जब सुबह म्यूजियम खुला हो तो भीड़ की आड़ लेकर वो मूर्ति लेकर वहां से गायब हो गया हो। लेकिन सर जहां तक उस मटके का सवाल है, उसमें कोई बच्चा ही छुप सकता है, और जाहिर है कि कोई बच्चा डुप्लीकेट चाबी नहीं बना सकता। छोटा आदमी भी तो हो सकता है श्रीवास्तव, 2-2.5 फुट के कद का कोई बौना भी तो हो सकता है, कोई बौना की मेकर जिससे ये काम करवाया गया हो। दिस इज पॉसिबल, लेकिन सर शहर में बौने लोग बहुत सारे हो सकते हैं। यू आर राइट श्रीवास्तव, शहर में बौने बहुत हो सकते हैं लेकिन की मेकर बहुत कम होंगे श्रीवास्तव। और ये भी मैं मानता हूं कि ये जो चाबी बनाने वाले हैं इनकी अक्सर दुकानें फुटपाथ पे होती हैं, रजिस्टर्ड नहीं होती, पता लगाना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल श्रीवास्तव, पता लगाओ कि शहर में 2-2.5 फुट के कद का की मेकर कौन है। छोड़ू साथ, ओ भाई छोड़ू साथ, गला घोंट के मारा गया श्रीवास्तव। लेकिन सर इस आदमी को कौन मार सकता है? वही श्रीवास्तव जिसने इसको मूर्ति चोरी करने में इस्तेमाल किया। मुझे इनको पता चल गया श्रीवास्तव,
कि हम इस तक पहुंचने वाले हैं। तेल श्रीवास्तव जिससे मिसेस सिन्हा अपने हाथ की मालिश करवाती हैं। I am quite sure. उन्होंने कहा था उनका बायां हाथ लकवे का शिकार है। इस तेल की तीखी गंध मैं अच्छी तरह पहचानता हूं श्रीवास्तव। Oh my God. इसका मतलब यह हुआ कि इसका मतलब श्रीवास्तव मिसेस सिन्हा अगर इसका खून उन्होंने किया है तो वो झूठ बोलती हैं। उनके दोनों हाथ काम करते हैं क्योंकि अगर उनका एक हाथ काम करता तो एक हाथ से इस तरह से किसी का गला घोंट कर मारा नहीं जा सकता श्रीवास्तव। गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम जय गणेश नमः। ओम जय गणेश। ओम जय गणेश। ओम जय गणेश। इंस्पेक्टर अगेन आपके लिए खुशखबरी है मिसेस सिन्हा। तो आपको मूर्ति मिल गई। मूर्ति तो नहीं मिली मिसेस सिन्हा, अलबत्ता एक लाश जरूर मिली। लाश किसकी? उस इकलौते गवाह की जो आपको मुजरिम साबित कर सकती थी। ये क्या बकवास है इंस्पेक्टर? मैं बकवास नहीं कर रहा मिसेस सिन्हा, हकीकत बयां कर रहा हूं। वो मूर्ति आपने चोरी करवाई थी और खुद उस छोटू चाबी वाले का मर्डर कर दिया आपने, जिसकी मदद से आपने ये काम करवाया था। अब आप चोरी के साथ साथ मुझ पर खून का इल्जाम लगा रहे? कौन है ये छोटू उस्ताद? मैं उसे जानती भी नहीं। मेरे पास आपके खिलाफ सबूत है मिसेस सिन्हा। What rubbish! आपको मूर्ति नहीं मिली इसलिए बेबुनियाद इल्जाम लगाकर आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे। आपने सुना नहीं मिसेस सिन्हा, मैंने कहा मेरे पास आपके खिलाफ सबूत हैं। वेट अ मिनट। किसे फोन लगा रही है मिसेस सिन्हा? किसी मंत्री को? बिल्कुल, मैं आपकी शिकायत करूंगी। कीजिए, शौक से कीजिए। मिस्टर असाना, मैं प्रोफेसर मिसेस सिन्हा बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर भारत मूर्ति चोरी के केस में मुझ पर शक कर रहे हैं और बिला वजह मुझे हैरिस कर रहे हैं। प्लीज आप उनसे बात कीजिए। आप उनसे बात कीजिए। सर मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी बजा रहा हूं सर, और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा सर कि मुझे मशवरा देने के बजाय अगर आप मिसेस सिन्हा को ये मशवरा दें कि मुझे वो कोऑपरेट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच सर। यस Yes, I understand. Thank you.
मेरे काम में कभी कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता, कोई नहीं, नो वन कैन, समझिए आप। फिलहाल चलता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी जी, गाड़ी खराब हो गई है। या इफ यू डोंट माइंड मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? जी वो जस्ट मोमेंट, आ जस्ट जस्ट मोमेंट, आ जस्ट। सॉरी योगिता जी, ये गाड़ी तो मैं ठीक नहीं हो सकती, इसे गैराज लेके जाना पड़ेगा। थैंक यू इंस्पेक्टर, आई विल डू दैट। लेकिन इससे पहले आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन क्यों? वो यूं कि जैसे बिगड़ी हुई गाड़ियां गैराज में ठीक होती हैं, ऐसे बिगड़े हुए इंसान पुलिस स्टेशन में ठीक होते हैं। व्हाट डू यू मीन इंस्पेक्टर? What I mean, I said, चिल्लाइए मत, okay? चलिए मेरे साथ। योगिता जी, सच उगलवाने के हमारे पास और भी कई तरीके हैं। I'm sorry. मूर्ति मैंने चुराई थी। जब मिसेस सेना ने मुझसे कहा कि मूर्ति करोड़ों रुपए की है, तो मेरे मन में लालच आ गई थी। मैंने 50,000 देकर छोटू चावी वाले को अपने प्लान में शामिल कर लिया था, और जिस दिन सारा सामान म्यूजियम जा रहा था, तो तब मैंने लोडिंग के समय छोटू चावी वाले को मटके में छुपा लिया, और इस तरह से वो म्यूजियम में दाखिल हो गया। उसके बाद मैंने उस मटके पर
पूरी निगरानी रखी और फिर उस रात छोटू चाबी वाले ने हमारे प्लान के मुताबिक उस मटके से बाहर निकलकर सारी रात वही छिपा रहा। सवेरे जब मिनिस्टर साहब और सब लोग म्यूजियम आए तो भीड़ का फायदा उठाकर वो मूर्ति लेकर वहां से भाग गया। कल जब आप मिसेस सिन्हा के घर आए थे और आपने कहा कि आपको उन सब लोगों पर शक है जो उस दिन म्यूजियम में मौजूद थे, तो मैं बहुत घबरा गई। मुझे लगा कि मैं पकड़ी जाऊंगी और उस घबराहट में मैं छोटू चाबी वाले के घर गई और वहां जाकर मैंने उसका गला दबा दिया। I'm so John so mad at you. I'm sorry. I'm sorry. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना जुर्म कबूल किया। अब बराए मेहरबानी योगिता जी ये बताइए कि वो मूर्ति आपने कहां पर छुपा के रखी है? सेना के गार्डन में। देश की अमानत देश के हवाले। कल 15 अगस्त है, इसे अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में रखकर देश का गौरव बढ़ाइए। वेल डन भारत, पूरे देश को तुम पे गर्व है। और मुझे गर्व है अपने भारतवासी होने पे।